If the perimeter of an isosceles right angle triangle is 8 root 2 plus 1 centimeter, then the length of hypotenuse of the triangle is. देखो अज्यूम कर लो कि एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्राइंगल है, तो अगर ये ए बी और सी है बच्चों, तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 होगा, ये भी 45 है, ये क्लियर है। और जब भी इस तरह का ट्राइंगल हो तो जो इनके साइड्स का रेशियो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। अगर ये 1 यूनिट है बच्चों तो ये भी 1 यूनिट होगा और ये होता है √2 यूनिट, ये क्लियर है। तो अगर आप रेशियो टर्म्स में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो यहाँ पे टोटल पेरीमीटर कितना हो जाएगा यूनिट के टर्म्स में, ये 1 और ये √2, तो ये टोटल बच्चों हो जाएगा 2 + √2, ये है पेरीमीटर। इसका वैल्यू आपको क्या गिवन है, इस 8 √2 + 1 गिवन है, ये क्लियर है बच्चों। लेफ्ट हैंड साइड से अगर आप √2 कॉमन ले लेते हो तो ये क्या मिलेगा, √2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 √2 + 1। तो यहां से √2 + 1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहां से आपको √2 का वैल्यू किसके इक्वल आ गया, 8 के। देखो √2 का वैल्यू 8 के इक्वल नहीं आएगा, ये √2 यूनिट का वैल्यू है 8 के, और वही है किसका, ट्रायंगल एबीसी में हाइपोटेनस का। तो सीधे आप बोल सकते हो कि √2 का वैल्यू अगर 8 यूनिट है तो यहां से हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, दैट इंप्लाई ऑप्शन नंबर बी। देखो ये कंफ्यूज मत करना, ये वेरिएबल्स के टर्म में है, इट मींस अगर ये x है और ये x है तो ये वैल्यू होता है बच्चों √2x, ये क्लियर है। तो मैंने सिंपली x को वेरिएबल अज्यूम नहीं किया, यहाँ पे सिंपली यूनिट के टर्म्स में प्ले किया है। जैसे यहाँ पे 1, ये 1 तो ये √2, तो टोटल पेरीमीटर कितना है 2 + √2, और इस टोटल यूनिट का वैल्यू कितने किसके इक्वल है बच्चों 8 √2 + 1 के। तो आई होप ये समझ में आ गया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.